अर्जुन सदी के महानायक बिग बी को कौन नहीं जानता। अपनी पहली ही फिल्म से उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था। आज तक बॉलीवुड में अमिताभ के कद के समान कोई भी अभिनेता नहीं हुआ। 11 अक्टूबर 1942 में जन्मे अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन और माँ तेजी बच्चन थी। अमिताभ पर हमेशा से रहा। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ और शेरगुट कॉलेज नैनीताल से अमिताभ ने अपनी स्कूली शिक्षा खत्म की। दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। अमिताभ की मां की इच्छा थी कि वो एक्टिंग में कुछ करे और अमिताभ खुद भी हमेशा से कुछ अलग करना चाहते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऑल इंडिया में अपनी भारी आवाज के कारण रिजेक्ट होने के बावजूद अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड में एंट्री एज अ वॉइस नरेटर के रूप में ही मिली थी। जी हाँ, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म भुवन शो में भी अमिताभ ने वॉइस नरेशन किया था और इसके बाद 7 हिंदुस्तानी से एक्टिंग डेब्यू की। इनकी पॉपुलैरिटी जंजीर फिल्म से रातों रात बढ़ी और उसके बाद एक ऐसा दौर आया जब इन्हीं के लिए रोल्स लिखे जाने लगे और अमिताभ के नाम से ही फिल्में सुपर डुपर हिट होने लगी। अमिताभ एक ऐसे अकेले कलाकार हैं जो इतने सालों से लगातार काम कर रहे हैं। फिल्म में एक्टिंग, प्रोडक्शन, वॉइस एक्टिंग, टेलीविजन पर कमाल, डायरेक्शन, म्यूजिक कॉम्पोजिशन, गायकी और यहाँ तक कि राजनीति में हाथ आजमाना, क्या कुछ नहीं किया अमिताभ ने। उनके जन्मदिन पर उन्हें हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे अमिताभ बच्चन।